Assalamu alaikum, I am dietitian Nida and you are watching tabib.pk. Assalamu alaikum, I am dietitian Nida. My education is MSc Honours Human Nutrition and Dietetics and my Facebook page is Diet with Dietitian Nida Rashid Mughal. Please follow. Today's topic is Keto Diet. So starting from Keto Diet, kya hai? Keto Diet mein aapki jo hai fats ko 75% ki calories wahan se di ja rahi hoti hain. Aapko proteins ko educate kar diya jata hai, 20% wahan se calories di ja rahi hain. Aur carbohydrate ko to बहुत ही कम कर दिया जाता है, like 5% आपको वहाँ से कैलोरीज उसकी दी जा रही है डाइट में. सो जो मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का, प्रॉपर बॉडी को एनर्जी देना, जिसकी वजह से ग्लूकोज बन रहा है. ग्लूकोज आपकी बॉडी में ब्रेन को फ्यूलिंग कर रही है, प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड कर रही है. अब आपने कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में 5% के हिसाब से कर दिया है और फैट्स को जो है 75% कर दिया है, ताकि बॉडी जो है कार्ब को कम करके हम एनर्जी फैट्स से लें. ठीक है, क्या होता है कि जब कार्ब कम कर दिए जाते हैं तो फैट्स जो है, फिर लिवर जो है हमारे फैट्स को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू फैटी एसिड्स में, जो कि कुछ अर्से बाद कीटोन बॉडीज़ बना रहे होते हैं और कीटोन बॉडीज़ की वजह से बॉडी में कीटोसिस हो जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि कीटो डाइट बड़ी इफेक्टिव है, कि हम 2 महीने के अंदर अंदर वेट लॉस कर लेते हैं या 1 मंथ के अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं. तो जहाँ रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वहाँ पर आपकी बॉडी अंदर से ब्रेक डाउन हो रहा है, बॉडी के अंदर से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड नहीं की जा रहे. और जो मेन चीज़ है, जो कार्ब का फंक्शन है, वो फैट्स ने कंट्रोल कर लिया. ठीक है, सेम इसी तरीके से एग्जांपल दी जाती है, जैसे कि MBBS डॉक्टर का काम है मेडिसन्स के थ्रू आपकी डिजीज़ को क्योर करना. सेम लाइक डाइटिशियन डॉक्टर का क्या काम है कि वो आपको डाइट के थ्रू आपकी डिजीज़ को क्योर कर रहा है. सो आप इस चीज़ को सोचते हुए आप देखें कि आप एक डाइट है जो कीटो डाइट है, जिसका मेन फंक्शन है एपिलेप्टिक सीजर्स को कंट्रोल करना. ठीक है, तो आप वहीं पे कीटो डाइट से आप वेट लॉस का काम ले जा रहे हैं. ठीक है, सो अब हमारी फीमेल्स को तो बात ही ज़्यादा इस तरह समझ आ जाएगी कि एक फाउंडेशन का काम, जो वाइटनिंग फाउंडेशन है, उसका क्या काम है कि वो एक स्किन टाइप को तो वाइट करिए. वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं है. वो जो टैन एक बंदा है वही फाउंडेशन लगाएगा, हाँ वो वाइट तो हो गया लेकिन उसका इफेक्ट डिफरेंट है. ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है ताकि जब आप डाइट को इस चीज़ पे लाओ तो इस चीज़ को सोचो कि कीटो डाइट का जो काम है, मेन जो फंक्शन है, उसकी तरफ हम उसको रोकें. क्योंकि आपको रिजल्ट्स तो 2 मंथ के अंदर अंदर मिल जाएगा, बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपके 2 महीने के बाद जो आपने वेट या ये डाइट छोड़ी, उससे डबल आपका वेट आपको गेन होता है. मैनी रिसर्चेज में ये आ चुका है कि इसके जहाँ पॉजिटिव अफेक्ट्स हैं वहीं पर नेगेटिव साइड अफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. सो आप पॉजिटिविटी की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइड को भी साथ साथ लेकर चलना है. ठीक है, अगर आप नेगेटिविटी को नहीं लेकर चलेंगे तो फिर आपके लिए ही नुकसानदेह. तो ये अवेयरनेस है कि आप इस चीज़ की तरफ आएं कि आपने वेट लॉस करना है, उसके लिए प्रॉपर वेट मैनेजमेंट थ्रू वेट लॉस डाइट प्लान के लिए हैं. आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो प्रॉपर GM डाइट को हाथ लें. और अगर आपने एपिलेप्सी को कंट्रोल करना है तो कीटो डाइट की तरफ जाइए. ठीक है, अब मेन चीज़ है कि लोग कहते हैं कि इंसुलिन लेवल, जो मेन चीज़ है, इंसुलिन लेवल जो है हमारा मेंटेन हो जाता है कार्ब क्योंकि कम है, और हम लोगों की जो है फैट जो है डिक्रीज़ होने लग गया बॉडी में. ठीक है, हम इसको हम डाइटिशियंस आपको एक टिप दे सकते हैं कि यही चीज़ अगर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करना ही है तो डाइटिशियन आपको एक टिप दे देता है कि मेन जो है इंडियन रेनेट पनीर डोडा, जो कि मेरी MSc ऑनर्स की रिसर्च में भी है, जो मेरा थीसिस टॉपिक भी रहा है, कि आप उसके थ्रू इंसुलिन को कंट्रोल कर लें. जब आपकी बॉडी में इंसुलिन वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा तो फिर बॉडी में कार्ब्स को इतना कम लेकर जाने की तो कोई बात नहीं रहेगी. जब कार्ब्स इतने कम, फाइबर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेन पनीर डोडा, इंडियन रेनेट इसका नाम है, इसके थ्रू आप इंसुलिन को कंट्रोल करें और आप अपनी डाइट को प्रॉपर वेल बैलेंस्ड वेट मैनेजमेंट वेट लॉस डाइट की तरफ आएं और इस चीज़ को, इस फैट को, इस चीज़ को ख़त्म करें तमाम लोगों की ज़िंदगी से.
कीटो डाइट की मेन सोर्सेज की बात करते हैं तो मेन सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कहाँ से हमें हासिल हो रहे हैं, फैट्स जो हमें कहाँ से हासिल हो रहे हैं, प्रोटीन्स कहाँ से हासिल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हम बता देते हैं और इसकी टाइप्स भी हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि जो लोग कीटो डाइट को फॉलो करें एटलीस्ट उनको ये मालूम हो कि उनको किस चीज़ को किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो फैट्स जो हैं चीज़ के थ्रू आपको दे रहे हैं, तो चीज़ जो है आप खुद सोचें कि आप वेट गेन नहीं कर रहे, आप वेट लॉस की तरफ आ रहे हैं, तो और चीज़ आप एक डायबिटिक हो के साथ में आपने चीज़ भी रख ली है, साथ में आपने हाई फैट सोर्सेस रख लिए हैं सारे, तो आप इनको अल्टरनेटिव की तरफ ले जाएं ताकि आप वेल बैलेंस की तरफ आएँ, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा कि हम कैसे कीटो को अपनी लाइफ में इंडल्ज करें लेकिन विद गुड सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। आप कॉर्न ऑयल की तरफ आ जाएँ, आप ऑलिव ऑयल की तरफ आ जाएँ, थोड़ा बेस्ट सोर्सेज की तरफ आ जाएँ। अब कार्बोहाइड्रेट जहाँ 5% कर दिए हैं वहाँ आपको बीट था, सब कुछ था, वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आपको, जितनी भी होल वीट था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आप को गुड सोर्सेज की तरफ लाना चाहिए, ना कि कीटो डाइट को लेकर आप ऐसी हेल्थ चॉइसेस की, सॉरी फूड चॉइसेस की तरफ आ जाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद की बजाय नुकसानदेह हो। थैंक यू।